रमजान का मौसम चल रहा है और रमजान में इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन तमाम राजनीति पार्टियां कर रही हैं और इफ्तार पार्टी के बहाने बिहार की सियासत में कई बार बदलाव देखा गया है। आपको याद होगा कि साल 2022 में इसी रमजान के महीने से बिहार की राजनीति में खासा बदलाव देखने के मिले थे। तब बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन दल में शामिल थे और बीजेपी बिहार में एनडीए की सरकार थी और तब नीतीश कुमार को इफ्तार कार्ड का पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया गया था और इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम में जाने के बाद से बिहार की राजनीति सुगबुगाहट तेज हो गई थी। उस समय लालू राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं को मंत्रियों को बुलाया गया था। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी कार्यक्रम करने पहुंचे हुए थे और इसी के बाद से बिहार में सियासत बदलाव देखने को मिला। और देखिए, कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के राजनीति में दावते इफ्तार कार्यक्रम देने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, उन्होंने सभी लोगों को इनवाइट किया है दावत इफ्तार कार्यक्रम में। तेजस्वी यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि हमारी पार्टी की जानिब से रमज़ान के मुकद्दस मौके पर दावत इफ्तार का एहतिमाम बरोज इतवार 9 अप्रैल को शाम 9 बजे 10 सर्कुलर रोड पर किया गया है। आप सभी रोजेदारों से गुजारिश है कि समाजी अखलाक के इस दस्तूर में शिरकत कर खिदमत का मौका दें। रमज़ान के मौके पर 9 अप्रैल को तेजस्वी यादव अपने आवास पर लालू राबड़ी आवास पर दावत इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और लालू परिवार में देखिए खुशी का भी मौका है क्योंकि तेजस्वी यादव पिता भी बन चुके हैं और लालू प्रसाद यादव जो हैं इनके निवेदक हैं, राबड़ी देवी हैं, बिहार विधान परिषद के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। तो दावते इफ्तार कार्यक्रम का बिहार के राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से बिहार में राजनीति की चुगबुगाहट तेज होती है। आपको याद ही होगा पिछले साल किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाए हुए थे और वहाँ से बिहार में राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और तब नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाए थे। तो कल तेजस्वी यादव के आवास पर तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प होगी देखने वाली, कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, जो भी तस्वीरें होंगी वो हम आपको लगातार देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।